चुनावी माहौल के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को लेकर मोर्चा खोल दिया है। चुनाव के इस वक्त बीजेपी को एक मुद्दा मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमला बोलने को। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद है। 5 महीने से उनकी बेल को लगातार खारिज किया गया है। अब सत्येंद्र जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसके बाद से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर हमला बोला है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिससे बीजेपी तिलमिला उठी है। इस वीडियो को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे बाहें फैलाए बीजेपी यही कह रही हो कि आइए, आपका इंतजार था। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सत्येंद्र जैन जेल में मालिश करवाते हुए नजर आ रहे हैं। ये मालिश सत्येंद्र जैन को काफी भारी पड़ गई है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में कुछ लोग उनकी खिदमत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो जेल के ही सीसीटीवी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियोस में सत्येंद्र अलग अलग टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। जेल में भी उनके वीवीआईपी ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं है। वो आलीशान तरीके से जेल में रह रहे हैं, हेड फुट और बॉडी मसाज करवा रहे हैं। ये वीडियो सितंबर का बताया जा रहा है। वीडियो भी अब जाकर वायरल हुआ है। ऐसे में बीजेपी का कहीं भी ये सवाल नहीं है कि ये वीडियो अभी ही क्यों वायरल हुआ, क्योंकि दिल्ली में अभी एमसीडी चुनाव है, तो बीजेपी इस मौके को भुनाने में लगी हुई है। वहीं इस मामले पर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सफाई दी है। उनका कहना है कि सत्येंद्र जैन की फिजियोथेरेपी की जा रही है। खैर, ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नेताओं को जेल में वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिली हो। आखिर इतना बवाल क्यों? इस वीडियो पर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे एक नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें ऑन एयर भारत। धन्यवाद।